तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनी लिव पर एक और फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज गुल्लक का सीजन 2 रिलीज हो चुका है, जिसे क्रिएट किया है TVF ने और डायरेक्ट किया है पलाश वासवानी ने। और इसमें लीड रोल में जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राजगुप्ता और हर्ष मायर हैं। और कहानी को नरेट किया है शिवांकित सिंह परिहार ने। और इसका सीजन 1 2019 में रिलीज हुआ था, जिसे डायरेक्ट किया था अमित राजगुप्ता ने। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी लिव पर रिलीज हुई फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज गुल्लक के सीजन 2 का। तो आखिर क्या है इस वेब सीरीज में खास, जिसके लिए आपको यह वेब सीरीज देखनी चाहिए भी या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेंटर वर्मा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले गुल्लक के सीजन 2 के प्लॉट के बारे में। तो सीजन 1 के आगे की ही स्टोरी इसमें कंटिन्यू की गई है, जिसमें 2 सालों के बाद भी मिश्रा फैमिली में ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। अभी भी अन्नू का SSC का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और अब वो कहीं जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन जॉब भी नहीं मिल पा रही है। और अब वो राजनीति में कार्यकर्ता बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि उसे गैस का लाइसेंस मिल सके। दूसरी तरफ अन्नू का छोटा भाई अमन अभी तक उतना ही नासमझ है और पढ़ाई के नाम पर उसे डर लगने लगता है, क्योंकि उसके इस साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। और अन्नू के पापा यानी कि संतोष मिश्रा, जो कि बिजली विभाग में क्लर्क हैं, उन्होंने अपनी नई स्कूटी ले ही ली है। और अन्नू की मम्मी यानी कि शांति मिश्रा अभी भी घर के काम और बिट्टू की मम्मी से थोड़ा परेशान है और अभी भी पीले चावल की टिहरी बनाकर सबको खिलाती हैं। लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो है महंगाई, क्योंकि घर में शरद पूर्णिमा का त्यौहार है और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ चुका है। और अब अन्नू की मम्मी बचत करने के तरीके ढूंढ रही है। और दूसरे ही दिन घर में कमेटी की किटी पार्टी भी होनी है। और अब शांति मिश्रा की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और फिर कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज ही देखनी होगी, जो कि सोनी लिव पर रिलीज हो चुकी है। और इसके टोटल 5 एपिसोड हैं, जिसमें से 3 एपिसोड लगभग आधे घंटे के हैं और 1 एपिसोड 22 मिनट का है और लास्ट एपिसोड 43 मिनट्स का है। तो दोस्तों, अब बात कर लें इस वेब सीरीज़ के सीज़न 2 की स्टोरी के बारे में। तो इस बार भी इसके 5 एपिसोड्स में से हर 1 एपिसोड में अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करती है, फिर वो महंगाई हो या फिर शादी के कार्ड में सह परिवार ना लिखा जाना हो। हर एक बात को हर एपिसोड में अलग अलग स्टोरी के साथ बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वैसे तो ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स पर पहले भी कई मूवीज़ और शोज़ बन चुके हैं, तो ये स्टोरी कुछ नई सी तो नहीं लगती है, लेकिन जिस तरह से TVF वालों ने इन सारी प्रॉब्लम्स को स्क्रीन में दिखाया है, वो तरीका बहुत ही रियलिस्टिक लगता है और हर मिडिल क्लास फैमिली मिश्रा फैमिली की जगह अपने आप को ही देखती है। इस वेब सीरीज़ में वैसे तो सारे कैरेक्टर्स पहले से ही वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन इस सीज़न में ज़्यादा फोकस अन्नू के कैरेक्टर में किया गया है कि किस तरह वो नौकरी ढूंढता है और नौकरी ना मिलने पर पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है। और फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि लाइफ के बारे में उसकी सोच थोड़ी गलत थी। अगर बात कर लें एक्टिंग की, तो पिछली बार की तरह इस बार भी जमील खान की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, जिन्होंने संतोष मिश्रा यानी कि अन्नू के पापा का कैरेक्टर प्ले किया है। उन्हें बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स दिए गए हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसके कारण उनके हर डायलॉग पर हंसी आती है। और इनके अलावा बाकी लीड एक्टर्स जैसे कि गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राजगुप्ता और हर्ष मायर ने शांति मिश्रा, अन्नू और अमन के कैरेक्टर में बढ़िया एक्टिंग की है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज़ में हर वो बात है जो कि ऑडियंस एक फैमिली ड्रामा कंटेंट से एक्सपेक्ट करती है, जिसमें कभी ज़बरदस्त कॉमेडी है तो कभी आंसू ला देने वाला इमोशन भी है और 2 भाइयों में होने वाली लड़ाई के पीछे छिपा प्यार भी है। एक नॉर्मल फैमिली में फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से डिसएग्री कर करके फिर बाद में कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। और एक कंप्लीट स्टोरी मैसेज भी है कि फैमिली फैमिली होती है, फिर भले ही उसमें 2 भाइयों के बीच कभी कहासुनी हो या फिर बाप और बेटे के बीच कहासुनी हो या फिर माँ के सुनाए हुए ताने हो, एट द एंड वो फैमिली ही होती है जो साथ देती है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इस वेब सीरीज़ के बारे में बताने की। तो मेरे हिसाब से कम एक बार तो आपको ये वेब सीरीज़ अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख ही लेनी चाहिए। और अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट इसका सीज़न 2 भी देख सकते हैं, क्योंकि कहानी में हर 1 एपिसोड में एक अलग स्टोरी है। और स्टोरी को शिवांकित सिंह परिहार ने इतने बढ़िया तरीके से नरेट किया है कि बिना सीज़न 1 देखे भी सीज़न 2 आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरह के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू करने की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।